हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनॉड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटीज। आज की राइटिंग क्लास में हम टास्क वन और टास्क टू करेंगे। टास्क टू विल बी बेस्ड अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप, यानी कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन होती है उसके आगे क्वेश्चन गिवन होता है, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। एंड इन टास्क वन देयर विल बी अ मैप। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टास्क टू फर्स्ट। एंड द स्टेटमेंट इज, साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दैट ह्यूमंस विल स्पीक द सेम लैंग्वेज इन द फ्यूचर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ठीक है, स्टेटमेंट का मीनिंग है कि साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, यानी कि वो फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इन फ्यूचर है जो ह्यूमंस हैं सारे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज बोलेंगे। सपोज इंग्लिश है तो सारे वर्ल्ड में इंग्लिश ही बोली जाएगी, अगर हिंदी है तो सारे वर्ल्ड में हिंदी ही बोली जाएगी। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं वो एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ओके, क्या ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है, ये फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? ठीक है, इसका सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहला सेंटेंस देंगे पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है साइंटिस्ट लेके वर्ल्ड तक जितनी स्टेटमेंट गिवन है उसको हम अपने मीनिंग में लिखेंगे, यानी कि यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग वो इसका सेम होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस आएगा थीसिस प्लस आउटलाइन, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिव नेगेटिव और जो मेरे को बॉडी पैराग्राफ वन और टू में बताना है, वो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं एक ही सेंटेंस में मैं क्लब करके बताऊंगा। ओके, एंड फिर है बॉडी पैराग्राफ वन पॉइंट वन इन फेवर, जो भी आपके फेवर में है। अगर आप पॉजिटिव में बताना चाहते हो तो वो पॉइंट लिखोगे, अगर आप नेगेटिव में बताना चाहते हो तो वो पॉइंट लिखोगे। यानी कि जो भी आप बताना जो इसके फेवर में आपको जो वो पॉइंट पहला लिखेंगे, उसको बाद एक्सप्लेन करेंगे भी कैसे वो पॉइंट ठीक है, फिर उसी के बेस पर एग्जाम्पल देंगे। सेम इज़ फॉर द बॉडी पैराग्राफ टू, पॉइंट टू जो फेवर में देंगे। एक पॉइंट आपने बॉडी पैराग्राफ वन में देना और दूसरे वाला पॉइंट आप बॉडी पैराग्राफ टू में देंगे, फिर उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जाम्पल देनी है। एंड लास्ट पैराग्राफ जो बनेगा वो कंक्लूजन का बनेगा, इसमें आपको पैराफ्रेजिंग पॉइंट वन एक्सप्लेन वन पॉइंट टू एक्सप्लेन टू, ये सारा चीज़ जो है आपको कंक्लूड करनी है। अगर आप इसको एक ही सेंटेंस में करते हैं तो बेटर है, अगर दो में करते हैं तो भी ठीक है, बट इसके ज़्यादा सेंटेंसेस चार पांच सेंटेंसेस कंक्लूजन के नहीं बनाने आपको, क्योंकि आपको कम शब्दों में ये सारा कंक्लूड करना होता है। ओके, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसमें पॉइंट्स कौन से इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू में लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं लिख सकता हूँ विल बी यूनिटी इन द वर्ल्ड। अगर सारे ही सारे एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो यूनिटी हो जाएगी वर्ल्ड में। ठीक है, यूनिटी मतलब एकता हो जाएगी पूरी दुनिया में। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं वर्ल्ड कैटेगराइज्ड इन वेरियस कैटेगरीज वन ऑफ देम लैंग्वेज। जो दुनिया है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी है, उसमें से एक लैंग्वेज भी है। जैसे रिलीजन के बेस्ड के ऊपर डिवाइड है ये दुनिया। ओके, कलर के बेस्ड के ऊपर डिवाइड है, इसी तरह से लैंग्वेज के बेस्ड ऊपर भी डिवाइड है। ठीक है, अब ये अगर डिवाइड है तो अगर एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो यूनाइट नहीं हो जाएंगे सारे। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एलिमिनेटेड, अगर एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो जो लैंग्वेज के बेस पर भेदभाव किया जाता है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ना तो कोई वायलेंस होगी ना ही कोई वॉर होगी। नो वायलेंस एंड वॉर इन द वर्ल्ड लीड्स टू नो डिस्ट्रक्शन एंड पीसफुल इन्वायरमेंट टू लिव। ना कोई वायलेंस होगी ना कोई वॉर होगी, जिसकी वजह से दुनिया में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी और एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा रहने के लिए, जिसकी वजह से एकता बढ़ जाएगी। इसके एग्जाम्पल है जापान, नो कम्युनल वायलेंस ड्यू टू सिंगल लैंग्वेज डोमिनेशन, वेयर एज इंडिया सफर्स फ्रॉम राइट्स ईच ईयर डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है जापान के अंदर जो है एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी के अंदर वायलेंट बिहेवियर नहीं होता, वायलेंस नहीं होती। बट इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसलिए वहाँ पर जो है राइट्स यानी कि दंगे भी हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल आ गई, यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो यूनिटी होगी पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, ये हम सारा का सारा बॉडी पैराग्राफ वन में लिखेंगे, पॉइंट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल। पॉइंट का एक सेंटेंस बनेगा, एक्सप्लेनेशन के एक या फिर दो सेंटेंसेस बनाओगे आप, और एग्जाम्पल का एक सेंटेंस बनाओगे। अब बॉडी पैराग्राफ सेकेंड पॉइंट क्या आएगा मेरे फेवर में, अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि हर एक सेक्शन, अगर कोई गरीब है उसकी भी अपलिफ्टमेंट होगी, अगर कोई रिच है तो उसकी भी अपलिफ्टमेंट होगी। वो कैसे, अगर सारे के सारे एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा,
बिजनेस बढ़ सकता है, ये सारे पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखते हैं, पीपल कैन ईजिली शेयर थाट्स, वो अपने थाट्स जो है शेयर कर सकते हैं और उसकी वजह से प्रमोट्स बिजनेस इन होल्ड वर्ल्ड, नो लैंग्वेज बैरियर, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। अगर सपोज़ मेरे को अभी इंडिया से चाइना के साथ बिजनेस करना और वो जो चाइनीज़ बिजनेसमैन उसको सिर्फ चाइनीज़ ही आती है और मुझे सिर्फ हिंदी ही आती है, तो क्या मैं बिज़नेस अच्छे से कर पाऊँगा? नहीं। अगर मेरे को इंग्लिश आती है और उसको भी इंग्लिश आती है, दोनों एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हम बिज़नेस डील्स जो है अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया में अगर एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी तो अपने थॉट्स जो अपने विचार मैं बिजनेसमैन के साथ शेयर कर सकता हूँ और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ, अगर कोई लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं होगा तो। मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेगी। अगर मेरे को चाइना की कंपनी में जॉब करनी है तो मेरे को चाइनीज़ आनी ज़रूरी है, बट अगर पूरी वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश ही है, तो मेरे को वो आती है तो मैं वहाँ पर भी जॉब कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, मेरे को कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब हर एक की अपलिफ्टमेंट हो रही है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस मैन के लिए बिजनेस जो इम्प्रूव हो रहा है उनका। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑब्जर्व इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्व्स इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनके पास पैसा एक सा है, और अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। अब हमने जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को टारगेट किया, पूरी दुनिया को टारगेट किया, उसको एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर ये वाली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, सब में इंग्लिश ही बोली जाती है और इनमें से आपस का जो कोलैबोरेशन है इनका बहुत बढ़िया, उसकी वजह से इनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, और यहाँ पर जो पैसा लोगों को मिला हुआ वो इक्वली डिवाइड हो चुका है लोगों के अंदर, ना वहाँ पर कोई गरीब है ना वहाँ पर कोई ज़्यादा अमीर है। ओके, ये अपलिफ्टमेंट को डिनोट कर रहा है, और जो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मैनी अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, ये वर्ल्ड को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये है टास्क टू, दोबारा सम अप कर लेते हैं इसको। पॉइंट वन विल बी यूनिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एकता रहेगी। अगर जो वर्ल्ड है वो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, उनमें से एक लैंग्वेज भी है, बट अगर ये लैंग्वेज का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से कोई भी दंगा नहीं होगा, कोई भी युद्ध नहीं होगा और एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा लोगों को रहने के लिए। जापान इसके एग्जाम्पल है, पूरे देश में सिर्फ एक ही लैंग्वेज जैपनीज बोली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होती, बट इंडिया में राइट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा सकती हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट रहेगा अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्शन की जो अपलिफ्टमेंट होगी यानी कि उनकी तरक्की होगी। अगर लोग इजीली अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे की वजह से, एक दूसरे के साथ, और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इसके साथ ही जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। अमेरिका, इंग्लैंड और जो अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो मनी है इक्वली डिवाइड की गई है सब लोगों में, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस अच्छा और अपलिफ्टमेंट हो रही है सभी लोगों की। ओके, ये रहा हमारा टास्क टू। अब हम टास्क वन की तरफ चलते हैं, एंड द स्टेटमेंट इज द मैप बिलो शोज द लेआउट ऑफ द पैराडाइज आइलैंड बिफोर एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ सम टूरिस्ट फैसिलिटीज। ठीक है, मैप देखते हैं। ओके, ये मैप गिवन है, आइलैंड है जिसका नेम है पैराडाइज। बिफोर यानी कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है टूरिस्ट के लिए, फैसिलिटीज की कंस्ट्रक्शन, उससे पहले वो कैसा दिखता है और बाद में कैसा दिखता है। ओके, सो लेट्स ज़ूम दिस पिक्चर। अब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं। अगर मैं एक ऐसा लिखूंगा कि बॉडी पैराग्राफ वन में मैं बिफोर लिख दूँ और बॉडी पैराग्राफ टू में मैं आफ्टर लिख दूँ, तो मेरे को जो पैराग्राफ बिफोर वाला वो उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस बन पाएगा और आफ्टर वाले पैराग्राफ में मेरे को बहुत कुछ लिखना होगा। सो ये मैं वाली अप्रोच नहीं अपना सकता। ठीक है, मेरे को कोई और अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सो पहले मैं देखता हूँ मैं क्या क्या इन दोनों में है, इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। सो पहले मैं बीच की तरफ देखूँ तो बिफोर वाली पिक्चर में, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक बीच गिवन है, बट आफ्टर में यहाँ पर बीच के साथ स्विमिंग अलाउड कर दी गई है। ओके, ये कंपैरिजन हो गया कि बिफोर वाली पिक्चर में सिर्फ बीच है बट आफ्टर वाली में स्विमिंग भी एड ऑन कर दी गई है। अब बिफोर वाली पिक्चर में देखें, कुछ ट्रीज हैं सी के पास यहाँ पर और कुछ ट्रीज यहाँ पर हैं। ओके, बट जो ट्रीज़ आफ्टर वाली पिक्चर में है वो अनटच्ड रहे हैं, जैसे कि जैसे पहले बिफोर में थे बाद में भी वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि ये उसको टच नहीं किया गया, उसको कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया गया, ना ही उसमें से कुछ माइनस किया गया। ठीक है, अब मेरे पास बिफोर वाली पिक्चर में और कुछ नहीं है, ऊपर सी है
आफ्टर वाली पिक्चर में भी सी है, ठीक है, आइलैंड है तो सी होगा ही आसपास उसके। अब मैं देखता हूँ आफ्टर वाली पिक्चर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्विमिंग वाली तो नोट कर ही ली है, ठीक है, ये मेरी स्विमिंग की फैसिलिटी है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ अकोमोडेशन लिखी हुई है, यानी कि हट्स बने हुए हैं, ये अकोमोडेशन वन और अकोमोडेशन टू, ये दोनों की दोनों अकोमोडेशन हैं, ये फैसिलिटीज़ मिली हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट खुल गया वहाँ पर नया, और रिसेप्शन भी है इंफॉर्मेशन डेस्क के लिए, ठीक है, ये फैसिलिटी एड ऑन हुई है। और यहाँ पर एक पायर यानी कि एक पोर्ट भी है, यहाँ पर बोट्स आ जा सकती हैं, ठीक है, ये भी फैसिलिटी एड ऑन हुई है। यानी कि इसमें फैसिलिटी कौन सी ऐड हुई है, स्विमिंग, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, रिसेप्शन एंड पायर, ये पांच फैसिलिटीज़ एड ऑन कर दी गई हैं पहले वाली पिक्चर के अलावा, ठीक है। अब इसमें से एक और इन्फॉर्मेशन भी है जो साइड पर गिवन है टेबल में, ठीक है, फुटपाथ एंड व्हीकल ट्रैक, वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये रहा फुटपाथ, जो अकोमोडेशन के आसपास जो डॉट्स बने हुए हैं वो फुटपाथ है, यानी कि वहाँ पर चलने का रास्ता है। और ये रहा व्हीकल ट्रैक, जो रिसेप्शन के आसपास और रेस्टोरेंट को जाता है एक रास्ता, और पायर की और आता है एक रास्ता, ये व्हीकल ट्रैक है, यानी कि यहाँ पर अपना बाइक्स कार वगैरह भी अलाउड है, ठीक है, ये दोनों भी एड ऑन किए गए। ओके, अब मैं ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी एड ऑन हुई हैं। ओके, सो लेट्स जूम आउट दिस पिक्चर। अब मैं देखता हूँ मेरे को लिखना क्या है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँगा मैं, इंट्रोडक्शन में सिंपली मेरे को इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है स्टेटमेंट की, यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट की बना उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए होता नहीं है। ओके, अब मैं ओवरव्यू लिखूंगा इसका, ठीक है। ओवरव्यू में मैं लिख सकता हूँ भी इसको आइलैंड को टोटली चेंज कर दिया गया है, नई फैसिलिटीज़ वहाँ पर रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, ये चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, रहने के लिए अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल ट्रैक, फुटपाथ जो ऐड ऑन किया गया, और इंजॉयमेंट के लिए स्विमिंग, रेस्टोरेंट, ये वाली फैसिलिटीज़ ऐड ऑन की गई हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डेस्क एक रिसेप्शन भी है, उसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, ये ओवरव्यू में लिख दिया मैंने। अब मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा भी रेस्टोरेंट है, अकोमोडेशन है, होटल है, स्विमिंग है, ये चीज़ें एग्जैक्टली नहीं लिखी, बस उनका सिनोनिम्स यूज़ कर लिया, भी रहने के लिए भी फैसिलिटी है उनके पास, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, और इन्जॉय करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ओवरव्यू में आप लिख लोगे, ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं, बॉडी पैराग्राफ वन एंड टू, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बिफोर वाला एक पैराग्राफ में लिखोगे और आफ्टर वाला एक पैराग्राफ में लिखोगे तो आपके पहले पैराग्राफ जो है अच्छे से मैनेज नहीं होंगे, तो आपको डिवाइड करना होगा। डिवीजन किस बेस पे होगी, फैसिलिटीज़ के बेस पे। बॉडी पैराग्राफ वन में आप तीन फैसिलिटीज़ ऐड ऑन कर लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए आफ्टर और बिफोर, दोनों को एक ही पैराग्राफ में इंक्लूड कीजिए। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जैसे कि पहले यहाँ पर सिर्फ बीच था, बट आफ्टर बीच के साथ स्विमिंग अलाउड कर दी गई। पहले यहाँ पर सिर्फ जो ट्रीज़ थे, थोड़े से दो तीन ट्रीज़ थे, बट उसके बाद यहाँ पर अकोमोडेशन ऐड ऑन कर दी गई। ऐसे आप ऐड ऑन कर सकते हो बॉडी पैराग्राफ वन में, सेम इज़ फॉर द बॉडी पैराग्राफ टू, बट उसमें जो फैसिलिटीज़ रह जाएंगी वो वाली हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। ये था आपका टास्क वन। ओके, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो इस नंबर पर। ओके, थैंक यू सो मच।